हेलो एवरीवन, आज संडे है तो आज संडे को कुछ स्पेशल बनाया जाए। इसके लिए हम चिकन चंगेजी बनाएंगे। ये 750 ग्राम चिकन लिए हैं, इसको अच्छे से साफ कर लिए हैं। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। मैरिनेट करने के लिए लगभग 1 टेबल स्पून धनिया डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें नींबू का रस डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर कश्मीरी डालेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये, 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून इसमें जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद लगभग 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसमें हम नमक डालेंगे, लगभग 1/2 टेबल स्पून है, और हल्दी पाउडर, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद लगभग 1 घंटा एकदम छोड़ दें ढक कर के, और अगर 1 घंटा टाइम नहीं है तो कम से कम आधा घंटा पहले ज़रूर इसको मैरिनेट करके छोड़ दें। अब हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे और लगभग 3 टेबलस्पून इसमें सरसों का तेल ऐड करेंगे। अब हम इसमें रफली चॉप्ड 2 बड़े साइज़ का प्याज काट लिए हैं। इसको हम एकदम स्लो फ्लेम में ही मुलायम करेंगे, इसको फ्राई नहीं करना है, बस इसको सॉफ्ट करना है और ये एकदम अंदर से सॉफ्ट हो जाए और ये पेस्ट बन जाए, एक तरह से एकदम पतला महीन पेस्ट। तो इसके लिए हम इसमें नमक डाल देंगे और इसको ढक करके एकदम स्लो फ्लेम में ही पकाएंगे। इसको ढक करके ही रखना है, ये लगभग 6 या 7 मिनट में हो जाएंगे। तो इसमें हम नमक डाल दिए हैं और इसको ढक करके ही फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें रफली चॉप्ड 2 छोटे साइज़ का टमाटर काट करके डाले हैं और इसको भी 3 मिनट के लगभग सॉफ्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसको ढक करके रखेंगे, एकदम स्लो फ्लेम है और इसको ढक करके ही पकाएंगे। ये देखिए लगभग होने वाला है, ये हो चुका है। अब हम इसको हटा लेंगे और हम कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और 1 टेबलस्पून बटर डालेंगे और इसको पिघलने के लिए देंगे हम। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे जो कि 1 घंटे पहले किए थे। अब हम इसको मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे इसमें और इसको पहले 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, उसके बाद 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे करेंगे, उसके बाद फिर स्लो करके 10 मिनट ढक करके कुक करेंगे इसको हम। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको फ्लेम को स्लो कर देंगे।
और इसको कम से कम 10 मिनट तक पकाना है, ढक करके ही पकाना है इसको। ये लगभग 40% पक चुका होगा 10 मिनट तक। अब हम इसको हटा लिए हैं, अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें बाकी बचे हुए मसाले डालेंगे। इसमें पहले थोड़ा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, उसके बाद लहसुन का अदरक का पेस्ट डालेंगे, और जो बाकी मसाले हैं वो डाल देंगे। इसको लगभग 1 मिनट भून लेंगे। अब इसमें धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 टी स्पून, ये जीरा और काली मिर्च पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको एकदम स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब हम उसमें लगभग 1/2 कटोरी पानी ऐड किए हैं और इसको थोड़ा सा उबलने दें। अब ये उबलने लगा है, अब हम इसमें जो प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाए हैं वो डाल देंगे। और इसको पहले तो हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब हम इसमें हल्दी और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसको ढक करके ही कुक करेंगे। मीडियम फ्लेम पे कम से कम 5 मिनट इसको पकाना है। इसका तेल अलग होने लगा है। अब हम इसमें जो फ्राई किए थे चिकन वो डाल देंगे। अब इसको मिक्स कर करके मीडियम से भी कम फ्लेम रखना है। इसको बनने में टोटल लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं। उसके बाद इसको ढक देंगे हम, और ये धीरे धीरे कुक भी हो रहा है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। इसमें हम लगभग 2 चम्मच दही डालेंगे, दही जो कि बिल्कुल खट्टा नहीं होना चाहिए, और इसको एकदम स्लो फ्लेम पे रखेंगे, नहीं तो दही ख़राब हो जाएगा, फट जाएगा वो, तो इसलिए उस समय फ्लेम को बहुत ही स्लो कर दें। और इसको ढक करके ही पकाएंगे। ये ऐसे पकाने से एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं पीसेस और फिर टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी थोड़ा सा हाथ में क्रश कर लें, उसके बाद फिर इसमें ऐड कर लें।
अब हम इसमें क्रीम डालेंगे और बटर डालेंगे। ये बटर है लगभग हाफ टेबल स्पून, और लगभग डेढ़ टेबल स्पून क्रीम है। इसको डालने के बाद लगभग एक से डेढ़ मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें एक कटोरी पानी ऐड करेंगे। क्रीम डालने के बाद ज़्यादा देर तक इसको फ्राई नहीं किया जाता है। अब हम इसमें लगभग एक कटोरी पानी डाल देंगे। आपको जैसा ग्रेवी रखना है आप उतना डालें, और इसको 10 मिनट के लिए ढक करके एकदम छोड़ देंगे। और एकदम स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा आंच पे रहेगा, ये ज़्यादा हाई भी नहीं ज़्यादा स्लो भी नहीं रहेगा, और ये धीरे धीरे एकदम मुलायम भी हो जाएगा और पक भी जाएगा बहुत ही अच्छे से। आप बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है अभी तो। ये थोड़ा सा और पकाना है इसे, और ग्रेवी है थोड़ा सा ज़्यादा, इसको भी ठीक करना है। अब इसका ऑयल निकल रहा है बाहर, और ये लगभग पूरी तरह से बन चुका है। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिए हैं। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए हम एक लकड़ी का टुकड़ा जलाए हैं और इसको फॉइल पे रखेंगे, और इसमें हम लगभग हाफ टीस्पून घी डालेंगे और इसको ढक देंगे। अब ये इसका धुआं लग रहा है, ऊपर से दिख रहा है, और फिर ये इसको ऐसे ही लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दें। साइड से धुआं इसका निकल रहा था तो इसको फिर बंद करना पड़ेगा हमें। इसमें पेपर लगा दिए हैं। अब ये बहुत ही अच्छा इसका स्मेल आ रहा है, बिल्कुल जैसे लगता है लकड़ी पे पकाया हुआ है। और ये ऊपर से धनिया पत्ता का गार्निशिंग करेंगे और फिर अदरक का लच्छा डाल देंगे। रेडी है हमारा फूड चंगेजी चिकन।